नमस्कार जी, मैं उमेश कुशवाहा। आप सभी का स्वागत है एमकेजी बाइसिकल में। और फिर आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर के एक नई साइकिल का रिव्यू। यह है हरकुलस कंपनी का एमटीबी साइकिल। एमटीबी में हरकुलस कंपनी का रॉकी मॉडल, और यह साइकिल आता है आपको दो साइज में, 24 इंच और 26 इंच, जिसमें कि व्हील साइज इसका 24 और 26 इंच होता है दो साइज, और फ्रेम साइज बात करूँ तो 17 इंच और 19 इंच आता है इसके साथ ही। तो इसमें जो जूनियर है वो 24 इंच के नाम से जाना जाता है, और जो सीनियर है वो 26 इंच के नाम से जाना जाता है। और ये एमटीबी साइकिल है, ये सिंगल स्पीड का है, इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। और इसमें क्या कुछ है आइए डिटेल्स में आपको बताता हूँ। साइड में आपको यहाँ फोटो आती रहेगी जो जो चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले बता दूँ कि ये हरकुलस जो है TI कंपनी का ब्रांड है, जो कि इंडिया की नंबर वन कंपनी है। और इस साइकिल में जो भी पार्ट्स यूज किया गया है वो मेड इन इंडिया है। और ये साइकिल की जो पार्ट्स है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, पुराने होने के बावजूद भी इसका कलर और इसकी जो स्मूथनेस है वो ख़राब नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हैंडल मिल जाता है आपको ब्लैक कलर का, जो है कि मेटल का हैंडल है, ब्लैक कलर का मेटल का हैंडल मिलता है। इसमें आपको दो साइडों में सिंग मिल जाते हैं जो कि लुक बढ़ा देते हैं। साथ में इसमें जो ग्रिप है रबड़ का दिया गया है, जो कि काफ़ी मुलायम सॉफ्ट रहते हैं। उसके साथ ही इसमें हमको ब्रेक लीवर जो है वो अलॉय के दिए गए हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ये उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। उसके बाद बात करें हैंडल में बैरिंग की, तो हैंडल बैरिंग इसमें रिले टाइप का दिया गया है, जो कि लॉन्ग लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर है और काफ़ी हैवी लिफ्टिंग माना जाता है। उसके बाद हम इसमें फोर्क जो दिया गया है वो MTB टाइप दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर है नॉर्मल। उसके साथ ही इसमें जो ब्रेक दिया गया है कैलिपर ब्रेक दिया गया है, ब्रेक आर्चेस के जो हैं। और इसके जो बाकी कंपनियों के ब्रेक के मुकाबले जो हरकुलस के जो ब्रेक आर्च होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और मजबूत होते हैं, और ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करते हैं इनके ब्रेक बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि MTB नंबर वन कंपनी है, क्योंकि उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। उसके बाद से इसमें मेटल का आपको मरगार्ड मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर में आता है। रिम इसमें मिल जाता है आपको मेटल का, और हब भी आपको मेटल का मिलता है। टायर इसमें नॉर्मल मिल जाता है, 24x75 या 26x75, जो 24 इंची का होगा उसमें 24x75 आएगा, जो 26 का होगा उसमें 26x75 का टायर मिलेगा। स्पोक में आपको दो इसमें जो है रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं येलो कलर के, जो कि सेफ्टी के ध्यान में बनाया गया है। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इसका मेटल का बनाया गया है, जिसमें पीछे साथ में इसमें कैरियर भी दिया गया, ताकि बच्चे को बैग या कोई सामान वामान रखना हो तो उस पर आसानी से रखा जा सकता है। 30 किलो तक का वजन उस पर सामान रख के ले जा सकते हैं। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं सीट की, तो सीट इसमें दिए गए हैं प्लास्टिक के, जो कि काफ़ी बेहतर है। जरूरत पड़ने पर इसके जो सब आप साइकिल खरीदेंगे तो मिनिमम हाइट पर करके आपको साइकिल लोग देखते हैं। बाद में अगर साइकिल यूज करने के बाद अगर बच्चे की हाइट बढ़ती है तो इसको 4 इंच तक ऊपर किया जा सकता है इसका सीट का हाइट। उसके लिए आपको स्पैनर एक यूज करना होगा 13 नंबर का, और जिसके माध्यम से सीट ऊपर हो जाएगा। पीछे भी आपको वही सेम कैलिपर नॉर्मल ब्रेक मिल जाता है, पीछे भी आपको मेटल का मरगार्ड मिलता है, और पीछे एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है रेड कलर का सेफ्टी के लिए। उसके बाद बात करें हम इसमें क्रैंक जो है चेन व्हील वो काफ़ी बेहतर दिया गया है, स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत है, ताकि साइकिल गिरने के बाद भी बेंड नहीं होता और काफ़ी लॉन्ग लाइफ इनका दिया जाता है। उसके बाद इनके जो क्रैंक होते हैं चेन व्हील के वो बेंड क्रैंक होते हैं, तो उसमें क्या चेन कवर के बीच में क्रैंक के बीच में गैप आ जाता है, तो कभी भी उसमें साउंड आने का स्क्रैच होने का खतरा नहीं रहता है, जो कि पुराने मॉडलों में ऐसे होता था, लेकिन इसमें पूरा अपडेट किया गया है, एक अच्छी बात है। प्लास्टिक इसमें आपको मिल जाता है रॉक टाइप, जो कि प्लास्टिक के होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद इसमें चेन आपको नॉर्मल मिल जाता है, जो कि हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता है। फ्री व्हील मिल जाता है इसमें 80 तीत का, और जो चेन व्हील मैंने बोला था वो दिया जाता है 44 तीत का। तो हमारे सिंगल स्पीड में नॉर्मली हमारे इंडिया में ये यूज होता है, लेकिन इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। उसके बाद इसमें पीछे भी आपको मेटल के हब वही सेम टायर मिल जाएंगे, कॉटन के टायर आते हैं, नॉर्मल ट्यूब मिलता है। व्हील के अंदर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है येलो कलर का। साइड में इसमें आपको साइड स्टैंड मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे वाले दिए गए हैं, जो कि हब में नहीं आते हैं, अलग से ही चेन स्टे में उसको फिट करके दिया जाता है, तो उसमें भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो साइकिल का ये रहा सारा कुछ, जो भी कुछ उसमें दिया हुआ है वो मैंने आपको बताया डिटेल्स में। अब बात करें इसकी प्राइस, तो प्राइस मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसका। अब इसमें हम बताएं कि क्या ख़राबी है
तो जो इसके हैंडल बेयरिंग दिए जाते हैं उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है कि 100 साइकिल में से कोई एक दो साइकिल ऐसी होती है कि जब हैंडल घुमाएंगे लेफ्ट राइट जब घुमाया जाता है तो आधे राउंड में फ्री घूमेगा, हाफ राउंड में टाइट घूमेगा। तो खरीदते समय उसको आप खुद भी घुमा के चेक कर सकते हैं, अगर आधे राउंड में फ्री घूम रहा है आधे राउंड में टाइट घूम रहा है तो आप उनको बोले भाई मैं साइकिल चेंज करके दूसरा दे दूँ। ये कुछ चीज़ों में दिक्कत पाया जाता है, बाकी ये साइकिल का लाइफ बहुत लॉन्ग है और काफ़ी बेहतर है क्योंकि लो प्राइस की ये साइकिल है और साथ ही इसके जो लॉन्ग टाइम तक जब आप यूज करते हैं जो ख़राब होता है जो इसका मेंटेनेंस खर्च होता है वो भी बहुत कम आता है। तो ये था इस साइकिल का पूरा रिव्यू। अगर ये साइकिल आपके पास है आप यूज करते हैं तो आपका जो अनुभव है वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि जो दूसरे दर्शक हैं उनके काम आ सके। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा हर हफ्ते मैं एक साइकिल की वीडियो लेके आता हूँ, अगर आप भी चाहते हैं कि इस साइकिल का रिव्यू या आपकी साइकिल में कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दूँ और नहीं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। यह था साइकिल का पूरा रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।